हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ रोनी क्लासेस। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ सनफ्लावर के बारे में, यानी सूरजमुखी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्ट है, सूरजमुखी एक पीले रंग का फूल है जो कि बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। सूरजमुखी को सूर्यमुखी के नाम से भी जाना जाता है। सूरजमुखी फूल का मुख हमेशा सूर्य की तरफ होता है, इसलिए इसे सूरजमुखी कहा जाता है। नेक्स्ट है, यह सूर्योदय से सूर्यास्त तक हमेशा सूरज की ओर झुका हुआ होता है। सूरजमुखी के फूल के बीज में कई सारे काले रंग के बीज होते हैं। इन बीजों को सुखाकर तेल निकाला जाता है, जिसे सूरजमुखी तेल कहते हैं। चले नेक्स्ट है, सूरजमुखी की पंखड़ियों का रंग पीला होता है। इसे पत्ते और तने हरे रंग के होते हैं। माना जाता है कि सूर्यमुखी का पहला पौधा अमेरिका में पाया गया था, लेकिन अमेरिका सहित पूरे विश्व के कई देशों में इसे उगाया जाता है। नेक्स्ट है, सूरजमुखी का तेल कैल्शियम और आयरन जैसे खनिजों से भरपूर होता है और इसमें विटामिन ए या विटामिन डी होता है। नेक्स्ट, सूरजमुखी सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले पौधों में से एक है और वे लंबे होते हैं। औसतन वे 6 महीने के भीतर 8 से 12 फीट तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सूरजमुखी का फूल यूक्रेन और रूस देश का राष्ट्रीय पुष्प है। नेक्स्ट, इसके बीजों में पाया जाने वाला एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, जिसकी वजह से शरीर की कई बीमारियां खत्म हो जाती हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। नेक्स्ट है, कुछ लोगों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या होती है। उनका कोलेस्ट्रॉल स्तर बढ़ता है, जिससे कि उन्हें कई बीमारियों से गुजरना पड़ता है। अगर आप इन सबसे बचना चाहते हैं तो सूरजमुखी के बीजों का सेवन इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। यह शरीर से हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। नेक्स्ट है, डायबिटीज़ वाले व्यक्तियों को हमेशा खाने की चिंता रहती है। ऐसे में सूरजमुखी के बीज उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। डायबिटीज़ वाले व्यक्ति इन बीजों को नाश्ते में खा सकते हैं या उनके स्वास्थ्य पर किसी भी तरह का बुरा असर नहीं करते हैं। इससे शरीर स्वस्थ बना रहता है। नेक्स्ट, सूरजमुखी के बीज को हमेशा छिलका उतारकर खाना चाहिए। अगर आप इन बीजों को बिना छीले खाते हैं तो यह नुकसानदायक होते हैं। इससे आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो गाइज, ये रहे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि रिलेटेड थे सूरजमुखी से। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही गाइज, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू गाइज़।